ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सो एज पर द कमिटमेंट जो मैंने इस बार जो वो आपसे कमिट किया हुआ था कि जो वो थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग से पहले हम एक बार जो है वो मैं आपको सारा कॉलेजेस का बजट जो वो पहले बता दूंगा, सो दैट कि जो आपको राउंड टू में जो आपसे गलती हुई थी फीस से रिलेटेड, जो है वो आपको गलती हुई थी, कुछ टैक्टिक्स थे जो काउंसलिंग के जो आपको नहीं पता थे, जिसके कारण जो वो आपको जो वो 2 लाख रुपीज की पेनल्टी भी जो वो फेस करनी पड़ी। सो ये वाली चीज थर्ड राउंड में ना हो, सो उसके लिए जो वो मैं वीडियो बना के लेके आया हूँ आपके लिए। सो वेलकम टू द नीट गुरु चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। सो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में जब वो बजट करेंगे, स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस से लेके मैनेजमेंट कोटा और सेमी गवर्नमेंट के जितने भी जो भी सारा बजट है, सो दैट की जो वो आप अपने अपनी कॉपी पेन जो वो निकाल लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली ही जो वो आप बजट प्लान कर लीजिए पहले कि क्या क्या आपका बजट है, कितने आपके पास पैसे हैं। बिकॉज नाउ जस्ट जाने से पहले मैनेजमेंट कोटा में, सेमी गवर्नमेंट में जाने से पहले एक बार जो वो आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एक बार जो वो डिस्कस कर लीजिए, देन चॉइस फिलिंग में आप उसके अकॉर्डिंगली ही जो वो कॉलेज जो वो फिल करना। बिकॉज ये बजट जो है वो सबको जो वो हिला देता है, जिसके कारण जो वो बच्चों के जो वो सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी फॉरफिट हो जाती है। बिकॉज थर्ड राउंड है, इसमें अगर आपका आपसे ये कहीं गलती ना हो जाए कि ऑलरेडी जब वो सेकेंड राउंड में आपको जब वो ज्ञान सागर मिला हुआ और आप ज्ञान सागर से एसजीआरडी में जा रहे हो और बजट आपको एसजीआरडी का पता नहीं है, आप जो वो ऑलरेडी आपको जो वो पिम्स मिला हुआ और पिम्स से आप जो वो कहीं एसजीआरडी का प्लान कर रहे हो, तो तब एसजीआरडी का पता नहीं, आपको बजट प्लान पता नहीं है। आप ज्ञान सागर मिला हुआ है, आपको देश जा रहे हो, तो देश का आपको बजट पता नहीं, आप उसके अकॉर्डिंगली प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंगली जाओगे। तो अब ये है कि पिछला वाला कॉलेज तो जाएगा जाएगा, और अगले वाला कॉलेज आप ज्वाइन फीस के कारण अगर नहीं कर सके, इस बार तो 2 लाख गया तो थर्ड में तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सो क्या रहेगा, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस का डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी, 4 गवर्नमेंट कॉलेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट और मोहाली के 4 कॉलेजेस का जो वो बजट जो वो फर्स्ट ईयर की फीस सबको पता है 1,83,000 फर्स्ट ईयर की फीस है, 2 लाख जो वो 1,000 रुपीज वो जो वो सेकेंड ईयर की है, थर्ड ईयर की जो वो 2,18,000, फोर्थ ईयर की जो वो 2,37,000 एंड द लास्ट ईयर की जो फीस है वो 1,11,000 रुपये। सो टोटल राउंड अबाउट जो वो ओवरऑल बजट आ जाएगा वो आ जाएगा 9.5 का जो वो बजट आ जाएगा। सो टोटली इस 9.5 लाख रुपए बजट फॉर द कंप्लीट जो वो टेन्योर फीस है, दिस इज अ फीस स्ट्रक्चर, प्लस जो वो 19,500 रुपीज जो वो आपका हॉस्टल चार्जेस सारा मिला के ओवरऑल जो वो 11 लाख के अप्रॉक्सीमेटली जो वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज आएगा। ये वही डिस्कस किया मैंने जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का था। नेक्स्ट इज फॉर द गवर्नमेंट से बाद अगर आप जाते हो तो सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट के 4 कॉलेजेस जाते हैं। सो लाइक फर्स्ट इज पिम्स जलंधर आ गया, ज्ञान सागर बनूड आ गया, रिमट इंक्लूड हो गया एंड द फोर्थ वन इज द डीएमसी। ये 4 कॉलेजेस का ऑलमोस्ट जो है वो बजट जो वो सिमिलर है, ठीक है। जैसे कि सेमी गवर्नमेंट का सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ, सेमी गवर्नमेंट का इन 4 कॉलेजेस का क्या है, गवर्नमेंट फीस एज इट इज लगेगी 4,26,000 रुपये फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड ईयर की जो है वो 4.67 लाख रुपीज है, थर्ड की जो वो 510 है, फोर्थ की जो वो 553 है एंड द लास्ट इज द लास्ट ईयर की जो फिफ्थ की जो फीस है वो है 2,98,000 रुपया। सो टोटल जो राउंड आपकी फॉर फिगर जो फीस आ रही है वो आ रही है 22 लाख जो वो 54,000 रुपीज, टोटल 22,54,000 रुपीज एंड 400 रुपीज। सो अप्रॉक्सी ये लगा के चलो कि 23 लाख अप्रॉक्सीमेटली आपकी इन 4 गवर्नमेंट कॉलेज इन 4 कॉलेजेस के अंदर जो सेमी गवर्नमेंट की जो फीस है वो आपको 22.5 और 23 लाख के बीच में आपकी फीस आएगी। नेक्स्ट आ गया जो वो हॉस्टल में, इनके हॉस्टल के क्या चार्जेस हैं, हॉस्टल का ऑलमोस्ट सब कॉलेजेस का डिफरेंट चार्जेस है, चार्जेस 4 कॉलेजेस में हॉस्टल के चार्जेस अलग हैं। कईयों ने क्या किया हुआ है कि पूरे कॉलेज का जो वो पूरा बजट बनाया हुआ है, हॉस्टल का बजट पैकेज दे दिया है, कईयों ने अलग एक एक चीज को जो वो डिस्क्राइब किया हुआ है, जो वो हॉस्टल में इतना है, मेस का इतना है, ठीक है, और सिक्योरिटी इसकी इतनी, मेस की सिक्योरिटी इतनी है, टोटल अमाउंट जो वो आपका लॉन्ड्री का इतना है, ठीक है, सब कुछ मिला के इतना जो वो आप ये लगा के चलो कि 2,10,000 रुपीज सबका ही है इन चारों का, ओवरऑल लगा के चलोगे तो 2.15 तो सभी का है। सो 10,40,000 रुपया हॉस्टल का हो गया, प्लस जो वो 22 लाख फीस होगी, और टोटल अगर आपको पड़ा तो प्लस सिक्योरिटी अमाउंट कुछ और भी हैं, जैसे लाइक कि पिम्स के कुछ 80,000 रुपीज का सिक्योरिटी अमाउंट है,
ज्ञान सागर के जो वो 65 के अप्रोक्सीमेटली टोटल लाइब्रेरी और अदब जो वो कुछ सिक्योरिटीज डाल के हैं, रिमट की भी है सिक्योरिटीज है, ठीक है, डीएमसी की भी सिक्योरिटी चार्जेस है। तो ओवरऑल ये लगा के चलिए आपकी टोटल सेमी गवर्नमेंट का इन चारों कॉलेजेस में आपका 33 से लेके 35 के बीच बीच में जो वो बजट आएगा। 33 का कुछ कॉलेजेस का 33 में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, लाइक पीएमसी जलंधर का 33 में कंप्लीट हो रहा है, डीएमसी का जो वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है 34 तक जा रहा है, रिमट का भी जो वो 35 तक जा रहा है। सो ये चार्जेस जो है वो इन कॉलेजेस में थोड़े से ज्यादा, सो आप रेंज बता रहा हूँ, सो फाइनली जो वो 33 से लेके 35 के बीच में सेमी गवर्नमेंट का आपका कंप्लीट जो वो 5.5 का खर्चा आएगा। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट कोटा इन द प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा। सो मैनेजमेंट कोटा के अंदर जो हॉस्टल चार्जेस जो आ रहे हैं दैट अ कॉस्ट दैट इज वो सिमिलर आएगा, वो सेमी गवर्नमेंट हो चाहे मैनेजमेंट कोटा को, सभी ने दोनों प्राइवेट कॉलेजेस ने सेम रखे हैं। सो 10.4 लाख रुपीज जो वो हॉस्टल के चार्जेस आगे प्लस मेस आगे प्लस सिक्योरिटी अमाउंट जो वो डाल के ओवरऑल जो वो 72 के अप्रोक्सीमेटली बजट आएगा आपका, 72 लाख रुपए का बजट आएगा इन चार कॉलेज जब वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो मैनेजमेंट कोटा का बजट आएगा, ठीक है। तो 72 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली जो दिस इज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, ठीक है, बिकॉज कुछ चार्जेस हैं जो यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, कॉलेजेस में भी कंफ्यूजन, बट ओवरऑल मैंने ये लगा के चला आप इतना तो बजट लेके चलिए, इससे 72 से प्लस लेके चलिए, इसको नीचे ना करिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फॉर द आदेश। आदेश का जो वो जो सबके लिए जो क्वेश्चन बना हुआ है, जिसके लिए सबको प्रॉब्लम आई है, यूनिवर्सिटी की भी गलती थी कि यूनिवर्सिटी ने मेंशन नहीं किया कि गवर्नमेंट के क्या फीस है और मैनेजमेंट कोटा के क्या फीस है। आदेश का मैं पहले बता दूं, कोई भी जो वो गवर्नमेंट फीस नहीं है, गवर्नमेंट लिखा ही हुआ है, बट फीस जो वो मैनेजमेंट कोटा की लेंगे। अब उनके कुछ कॉलेजेस में कॉलेज में जाके वो 5.47 के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं। पहला अगर आप पहली फीस देखोगे तो पहली फीस उनकी सेम ही है जैसे बाकियों की है, 10,94,000 रुपया। बट सेकेंड ईयर की फीस देखो, चेक करोगे बाकी अगर कॉलेजेस का प्रोस्पेक्टस मेंशन कर चेक करते हो तो सेकेंड ईयर की फीस 12,04,000 रुपया, बट आदेश की जो सेकेंड ईयर की फीस है वो 13,09,000 रुपया। थर्ड ईयर की बाकी चार सब मैनेजमेंट कोटा के कॉलेजेस की 13,14,000 रुपया, बट इसकी जो वो 14,53,000 रुपया। नेक्स्ट है फोर्थ ईयर की आगे 14,23,000 रुपया, इसकी जो वो आगे 15,18,000 रुपया। सो नेक्स्ट इसका फीस स्ट्रक्चर में फर्क है, ठीक है, काफी फर्क है। सो आदेश का जो आपका पड़ेगा हॉस्टल का 2,08,000 रुपीज प्लस इंक्लूडिंग मेस इलेक्ट्रिसिटी हॉस्टल सब चार्जेस मिला के जो वो 10.40 के अप्रोक्सीमेटली 10,10,00,000 रुपए का जो वो हॉस्टल और मेस है, प्लस साथ में जो वो डेवलपमेंट चार्जेस जो वो 60,000 पर ईयर मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए ये हो गए, प्लस सिक्योरिटी अमाउंट भाई देना तो आपको है ही है ना एक्स्ट्रा, चाहे वो लास्ट में जाकर जस्ट होना हो तो बजट तो लेके चलोगे ना, तो 3 लाख रुपीज प्लस वो वाला हो गया अप्रोक्सीमेटली भी जो वो इज इक्वल टू 80 के अप्रोक्सीमेटली जो वो आदेश का बजट आ रहा है, दैट इज जो वो एग्जैक्ट बजट है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट वाला नहीं है चाहे, बिकॉज यही फीस ही लगेगी आदेश में। नेक्स्ट एज फॉर द सीएमसी लुधियाना का फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर का जो 6,60,000, सेकंड का 7.26, थर्ड का 7.98, फोर्थ का 8.78 एंड थर्ड लास्ट का 9.66। सो टोटल जो फीस ही जो वो ट्यूशन फीस ही जो आ रही है सीएमसी लुधियाना की, दैट इज 40,28,766 रुपीज, ठीक है। हॉस्टल का जब वो 2.5 लाख लगा के चलो 2.5 लाख रुपीज पर ईयर, ओवरऑल जब वो बजट आ गया इसका, इसका हॉस्टल थोड़ा सा कम है, सीएमसी का हॉस्टल चार्जेस कम है, सो 2.5 लाख रुपीस कंप्लीट, प्लस कुछ जब वो मिसलेनियस चार्जेस जो कॉलेज के कुछ डेवलपमेंट चार्जेस मिला के अप्रॉक्सी ये भी लगा के चलो कि आपका 43-44 के अप्रोक्सीमेटली ये भी सीएमसी भी आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द फाइनल, जिसके सबका जो वो इस बार का सबसे हाईएस्ट पैकेज है पूरे पंजाब में, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज जो वो एसजीआरटी का ही है, सो उसी का ही है। फर्स्ट ईयर की फीस सबकी सेम है, वो सबको सेम दिख रही है, ठीक है, 10,94,000 रुपया फर्स्ट ईयर की फीस है। सेकंड में इसकी फीस चेक करोगे तो 15.22 लाख रुपीज, यानी कि आदेश का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। थर्ड है 16,47,000 रुपीज, फोर्थ की है 17,74,000 रुपीज, लास्ट किया 11,37,000। सो टोटल ओवरऑल जो बजट आ गया वो 71,76,270 रुपीज का बजट है, प्लस जो वो इनके रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं
वो अलग से हैं, थ्री मल्टीप्लाई इन्होंने तीन बताया कि तीन इंस्टॉलमेंट में हम रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेंगे 2,93,000 rupees. सो 2,90,000 रुपया मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 8,70,000 rupees. सो 8,70,000 रुपया आप इसमें ये ऐड करते हो, प्लस जो वो 3,06,000 रुपया ये स्टार्टिंग एंट्री में ही ले रहे हैं. सो ओवरऑल जो बजट है वो 84 के अप्रॉक्सीमेटली चला जा रहा है, बट इसके अंदर वो ये बोल रहे हैं कि मैस इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस. सो ओवरऑल जब वो आई थिंक सो भी SGRT का जो बजट जाएगा वो 84 प्लस साथ में जो वो मैस फीस इंक्लूड होएगी अभी, प्लस में भी शायद इंटरनेट चार्जेस वगैरह कुछ भी वो हो सकता है, उसका कंफर्म नहीं है. सो इट विल बी जो वो क्रॉस जो वो 84 लाख रुपीज SGRT का बजट. कॉलेज इज गुड बट इट्स एक्सपेंसिव कॉलेज, मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेज ऑफ द पंजाब इज द SGRT. ठीक है, नो डाउट क्वालिटी इज गुड, बट नेगेटिव पॉइंट इज दिस ओनली दैट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. ठीक है जी, सो ये है, इसको देख के प्लान करके फिर ही अपनी जो वो राउंड थर्ड की जो वो चॉइस फिलिंग करना, एज पर द कमिटमेंट जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पूरे कॉलेजेस का हर एक कॉलेज का बजट आपको दूंगा, सो दैट कि थर्ड राउंड में आपकी जो वो ये गलती ना हो. सो दिस वॉज द कम्प्लीट सिनेरियो. सो ध्यान रखना आज की जो लास्ट डेट है विशलिस्ट की, इसके बाद जो वो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 12 को, जो वो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी अब पता नहीं, अब उसके रिजल्ट आ गया मोस्ट प्रोबेबली ये डेट भी जो चॉइस फिलिंग हमारी लेट स्टार्ट होगी. क्यों? क्योंकि जो वो 12 को रिजल्ट जो वो एक दिन पोस्टपोन हो गया, जो MCC का रिजल्ट 11 को आना था अब वो रिजल्ट आएगा 12 को. सो हमारी जो चॉइस फिलिंग जो विंडो है वो 12 से नहीं, मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट फ्रॉम द 13th of this October. सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड कीप इन टच विद दिस चैनल. सो थैंक यू सो मच.